मुझे बहुत अच्छा लगा दीपक जी और दीप जी के साथ काम करके। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अच्छा लगता है वो म्यूजिक है, और ज़्यादातर मेलोडी जो ट्यून होती है वो दीपक जी और देव जी को पसंद आती है, तो वही हम लोगों ने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा मेलोडी सॉन्ग दे पाए, कर पाए। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो आज जो गाना रिकॉर्डिंग हुआ पहला दिन था, तो क्या कहें, म्यूजिक के बारे में बात करें, गीत संगीत के बारे में बात करें, क्या कहना चाहेंगे? इस गाने में टाइम बहुत कम मिला, अब इस पर काम वर्क करना बाकी है, तो इसके बारे में भी कम बताएंगे तो अच्छा है, लेकिन ट्यून बहुत अच्छी बन पड़ी है। अगले जो गाने आप लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे इस गाने के? अगले गाने हम लोग शानुदा का प्लानिंग है, शानुदा का गाना जो है वो रेडी है, बस उनका इंतज़ार है 18 या 20 को, जब भी शानुदा अवेलेबल होंगे बस उनके साथ करेंगे नेक्स्ट। सानुदा की बात की जाए तो मेलोडी के लिए फेमस है, तो उनसे किस फ्लेवर में गाने गवाने वाले हैं? उनसे उनका गाना भी रोमांटिक ही है, और सर की पिछली फिल्म में भी शानुदा का गाना रिकॉर्ड किया था, वो भी बहुत रोमांटिक है और सभी लोगों ने पसंद किया। मैं जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लगेगा, सुनने में अच्छा लगेगा। और फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर हो गई 4 फिल्में, क्या बोले, सब अच्छा ही, अच्छा लगा। देव साहब फिल्म प्रोड्यूसर जो पहली बार फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं, उनके बारे में? पहली बार फिल्म कर रहे हैं, लेकिन मिले तो बहुत पुराने से हैं। क्या अच्छा, सब बढ़िया है। बहुत ही प्यारे शब्द विश्वनाथ जी ने लिखे हैं, मतलब आप पहली लाइन सुनेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, भजन है या गाना है, मतलब बीच की सिचुएशन है कि गाना भी है और भजन भी लगेगा। मतलब ओढ़ ली पिया अब तेरे नाम की चुनरिया, ओढ़ ली पिया अब तेरे नाम की चुनरिया, तेरे बिना अब लागे ना जिया, दिल कहे पिया पिया, दिल कहे पिया पिया। ये हमारे विश्वनाथ राजपुरी है, लीड राइटर, इन्होंने ही आज के गाने लिखे हैं, आगे की बात इन्होंने ये बताएंगे, आप बोलिए। मैं विश्वनाथ राजपुरी, देव साहब के निर्देशन में, आदेश में गीत, इस गीत को लिखा, और सबसे पहले तो हम आप सबों को, मीडिया ग्रुप को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। फिल्म काहे हम प्यार कहनी, हमारे डायरेक्टर साहब से आप लोगों ने उस फिल्म के बारे में सुना, आज के इस शुभ अवसर पर हम सारे ग्रुप को आज बहुत अच्छा लगा, ये फिल्म आगे चल करके बहुत अच्छा करेगी, इस 2017 की बिग मूवी होगी। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो ग्रुप है ना सर, देव साहब और हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे अविनाश जी, व्यक्ति तो होता ही है लेकिन व्यक्ति विशेष है, इनके निर्देशन में काम करने में मज़ा ही मज़ा आता है, बहुत आनंद आता है। स्टोरी के बारे में बात की जाए तो कितना अलग स्टोरी होगी, क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ा था सर? स्टोरी तो हमने नहीं लिखा है, हमने केवल सॉन्ग लिखा है। स्टोरी के बारे में हम जानते हैं, इतना समाज के लिए एक मैसेज है, काहे हम प्यार कैली, जैसे कि डायरेक्टर साहब ने बताया कि एक मोड़ आता है स्टोरी में जो लड़की को समझ में आता है कि हमने क्यों प्यार किया, और इस मूवी को हिंदी और भोजपुरी से एक बीच का रास्ता निकाला गया है, अवधी और भोजपुरी हिंदी मिक्स है, और आशा उम्मीद विश्वास करते हैं कि मूवी बहुत अच्छी है। जैसे कि मनोज पांडे जी ने इस फिल्म का गीत कथा पटकथा लिखा है और आपने गीत लिखे हैं, तो उनके संवादों के बीच में आपने अपने गीतों को किस तरह से जगह दिया है? पहले तो सबसे पहले मैंने सिचुएशन समझा, उस स्टोरी के बारे में देव साहब ने हमें बताया, मनोज पांडे जी भी बताए, तो मैंने ये जो सॉन्ग लिखा है बेसिकली ये लव सॉन्ग है, लेकिन एक लव सॉन्ग में भी सूफियाना लव सॉन्ग है, वो जो मोहब्बत सच्चे दिल से मोहब्बत होती है उस तरह का ही गाना है। आपके गीतों को संगीत दिया है उमेश जी ने, अविनाश जी ने, तो क्या कहना चाहेंगे? बेशक सर, लाजवाब, इसका कोई जवाब ही नहीं है, और अविनाश जी के साथ मैं तीसरी मूवी कर रहा हूँ, इन्होंने जो म्यूजिक ये देते हैं बिल्कुल एक अलग हट करके अपना चीज़ होता है, बहुत कर्णप्रिय लोकप्रिय होती है। बात करें फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब उनके शब्द डायरेक्टर साहब और देव साहब के बारे में मैं क्या कहूँ, कोई शब्द ही नहीं है, मैंने तो कहा पहले ही कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं ये लोग, और इनके निर्देशन में, इनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है।